नमस्कार, भारत 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। जिले में चौथा व नौवां स्थान प्राप्त कर बच्चों ने गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज का लहराया परचम। विद्यालय परिवार ने सभी सफल छात्र छात्राओं को मेडल व ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। सिकंदरपुर बलिया, मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज बोर्ड का हाई स्कूल इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। स्थानीय गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता के साथ साथ जनपद में भी विद्यालय का परचम लहराया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत बच्चों व अभिभावकों के बीच बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। हाई स्कूल में सक्षम राय ने 94.66% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जागृति मौर्य ने 92.66% अंक अर्जित कर दूसरे स्थान पर और गुलाब से खातून ने 90.7% अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसी प्रकार इंटरमीडिएट में निशा वर्मा ने 92.6% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस तरह सक्षम राय ने जिले में नौवां स्थान व निशा वर्मा ने जिले में चौथा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की मंगलमय कामना किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश गुप्ता ने भी सभी बच्चों को शुभकामना देते हुए छात्र छात्राओं को भविष्य में और अच्छे अंक अर्जित करने के लिए प्रेरित किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जो है स्थान लाकर इन्होंने उनका नाम रोशन करने का कार्य किया है। इस अवसर पर जो है विद्यालय परिवार के तरफ से आप सभी को कोट-कोट शुभकामनाएं, कोट-कोट धन्यवाद प्रदान करता है। साथ ही साथ हमारे प्रबंधक महोदय जी कहते हैं कि गुर्जर बिंदु हमारे जो है वह कड़ी है जो हमारे सपनों को साकार करने में जो है अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे गुर्जर बिंदुओं के कठिन परिश्रम का यह फल है जिसके कारण आज हम इस ऊंचाइयों को छू रहे हैं और इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहेंगे। जो छात्र छात्रा इस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं उनके नाम का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं और विद्यालय रूपी मंच पर वो आ जाए माननीय प्रबंधक महोदय जी के द्वारा, माननीय प्रधानाचार्य महोदय जी के द्वारा तथा समस्त सम्मानित गुरुजन बिंदुओं के द्वारा जो है वे अपना सम्मान प्राप्त करें।